हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू प्रेपोन दीज डेज वी आर स्टडींग सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी वी हैव कवर्ड वन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रेम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आई हैव टेकन इट इन डिटेल प्रेमबिल में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको विस्तार से बताए हैं देन इन द लास्ट लेक्चर आई डिस्कस विद यू सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अगेन संविधान की कुछ बारीकियां हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं जो जो मैंने आपको बताया है वो फंडामेंटल्स की तरफ ही ले जाते हैं तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर टूवर्ड्स इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ वी बिगिन विद पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्क्राइब वॉट इज इंडिया आज इसको समझते हैं अब तक के लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें क्या कमी है या क्या बेनिफिट आपको हुआ इफ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिटेड लेट मी नो फ यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड देन डू लेट मी नो फिर तो जरूर बताइए आई विल डेफिनेटली इंप्रूव द लेक्चर्स टू योर सेटिस्फेक्शन चलिए आज देखते हैं पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो पार्ट वन पार्ट वन इंडिया एंड इट्स यूनियन इंडिया एंड इट्स यूनियन इस पार्ट में आर्टिकल वन टू फोर तक यह पार्ट होता है इसमें इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है कैसे इंडियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है उसके बारे में बताया गया है तो आर्टिकल वन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शेल बी अूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स यहां पर आर्टिकल वन भारत के दोनों नाम लेता है इंडिया दैट इज भारत और भारत को बताया गया है इंडिया को बताया गया है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स जब कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है तो यह अमेरिकन संघ जैसा संघ नहीं माना गया वैसे ये एक फेडरेशन है फेडरेशन जैसा है लेकिन फेडरेशन और यूनियन में डॉक्टर अंबेडकर ने फर्क बताया उन्होंने कहा जब भी हम वर्ड यूनियन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब एक तो यह है कि इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स टू फॉर्म द यूनियन ही सेड उन्होंने कहा ठीक है यह संघीय ढांचा जैसा है संघ है राज्यों का एक संघ है लेकिन यह संघ भिन्न प्रकार का है जब हम वर्ड यूनियन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो आप ये समझें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में कहा कि ये ऐसा नहीं है कि कई राज्यों ने मिलकर एक भारत का संघ बना लिया हो जैसे तेरह राज्यों ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया था यह वैसा नहीं है यह राज्यों के एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों ने अपनी मर्जी से संघ बनाया अपनी मर्जी से तोड़ देंगे उन्होंने कहा इट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन नॉट कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर है नॉट कमिंग टुगेदर कि एक साथ आए और संघ बना लिया फर्दर उन्होंने बताया इस शब्द का मतलब है यूनियन शब्द का मतलब है वंस पार्ट ऑफ द यूनियन कोई राज्य इस संघ का पार्ट हो जाता है उसके बाद उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं है मतलब नो स्टेट कैन सीड फ्रॉम द यूनियन। एक बार आप आ गए फिर संघ से बाहर जाने का रास्ता बंद है संघ में आप आ सकते हैं भारत में शामिल हो सकते हैं बट वंस यू आर पार्ट यू कैन नॉट गो आउट तो ये उन्होंने वर्ड बताया ये वैसे यूनियन है लेकिन ये अमेरिकन यूनियन जैसा नहीं है आप संघ का पार्ट बन सकते हैं आने के बाद संघ से बाहर नहीं जा सकते ये कई राज्यों के मिलकर एक संघ बनाने का रिजल्ट नहीं है इट इज़ ए होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन इन करेक्टर इंडिया इज ए फेडरेशन इन करेक्टर इंडिया इज ए फेडरेशन बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फेडरेशन सो दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्यों का ये एक संघ है जब हम फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं वेन वी यूज दिस फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स तो इसका मतलब ये भी है कि दीज स्टेट्स इंजॉय Distribution of powers with the union। जब हम कहते हैं ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो यहां पर हम फेडरल प्रिंसिपल की बात भी करते हैं यहां पर हम फेडरल प्रिंसिपल की बात भी करते हैं ये जो राज्य हैं इस संघ के ये जो राज्य हैं इस संघ के ये यूनियन के साथ पावर भी शेयर करते हैं दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द स्टेट्स मीनिंग देयर बाई इनके पास संविधान के द्वारा दिए दी गई पावर्स हैं वो पावर्स संविधान से मिलती हैं यूनियन से नहीं मिलती तो यूनियन ऑफ स्टेट्स के तीन मीनिंग हो जाते हैं एक तो पहला मीनिंग ये निकलता है कि ये राज्यों का संघ है लेकिन ये संघ डिफरेंट प्रकार का संघ है पहली बात तो ये ये होल्डिंग टुगेदर है कमिंग टुगेदर नहीं है कि अंग्रेज भारत से गए राज्यों ने मिलकर कहा कि हम एक भारत बना लेते हैं और आज मन किया तो भारत तोड़ देते हैं ऐसा नहीं है फिर उन्होंने कहा एक बार राज्य संघ में आ गया तो संघ से बाहर नहीं जा सकता नो स्टेट कैन सी सीड अवे फ्रॉम द यूनियन वंस यू आर पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन यू कैन नॉट गो आउट फर्दर इट इज कंटेपलेटेड बाय द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट दिस द स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस यूनियन दे एंजॉय distribution of powers with the union warranted and guaranteed by the constitution itself which is the core of federal principle federal principle kya hai hum baad mein dekhenge so this is article 1 which describes that uh, uh, what is the nature of union of states जब हम यहाँ states word का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर union territory इस्तेमाल नहीं हो रही है यहाँ states का मतलब है जो states हुआ करती है भारत के राज्य हुआ करते हैं उनकी बात हो रही है दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग अबाउट पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ कम टू आर्टिकल थ्री और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू स्टेट नई स्टेट कैसे बनेगी अब आर्टिकल थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट पार्लियामेंट कैन बाई लॉ पार्लियामेंट बाय लॉ बना सकता है नए राज्य कैन क्रिएट और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट बाई ज्वाइनिंग टू और मोर स्टेट्स Their पार्स पार्लियामेंट कानून बनाकर दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना ले तीन राज्यों को मिला के एक राज्य बना ले या राज्यों के कुछ टुकड़ों से एक राज्य बना दे कुछ हिस्सा इससे ले लिया कुछ हिस्सा इससे ले लिया ऐसा कर सकता है या एक राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बना दे यह हो सकता है पार्लियामेंट कैन Increase area of any state, Parliament can diminish the area of any state, Parliament can alter the boundary of any state, Parliament can ऑल्टर और चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट दो राज्यों को मिलाकर राज्यों के पार्ट को मिलाकर या एक राज्य से बना सकता है किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकता है किसी राज्य का एरिया कम कर सकता है या राज्यों की बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकता है, तो कर तो सकता है। या राज्य का नाम चेंज कर सकता है जब हम कहते हैं इंक्रीज कर सकता है तो किसी राज्य का एरिया इंक्रीज कर देगा तो किसी राज्य का कम हो सकता है राज्य का एरिया दूसरे राज्य में जोड़ दिया जाए या राज्य को छोटा कर सकता है जब हम ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री की बात करते हैं इसका मतलब है कि एक राज्य के कुछ जिले दूसरे राज्य में डाल दिए और दूसरे राज्य से कुछ ज़िले उसमें डाल दिए यहाँ पर बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं लेकिन एरिया इंटैक्ट है ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज का मतलब यह है कि राज्य का एरिया इंटैक्ट है लेकिन उसके डिस्ट उसकी शेप चेंज हो सकती है किसी राज्य के ज़िले वहाँ से लेके वहां डाल दिए इसके दूसरे में शिफ्ट कर दिए यहाँ पर राज्य छोटा बड़ा हो सकता है टेरिटोरियल मैप चेंज हो सकता है यहाँ पर टेरिटोरियल मैप चेंज नहीं होगा एरिया इंटैक्ट है लेकिन बाउंड्रीज ऑल्टर हो सकती हैं या राज्य का नाम चेंज होना है नाम भी चेंज हो सकता है वेस्ट बंगाल का नाम चेंज होना है तो हो सकता है या दो राज्यों से निकाल कर तीन राज्यों से निकाल कर बुंदेलखंड बनाना है तो बुंदेलखंड भी बनाया जा सकता है बुंदेलखंड का एरिया देखें तो कुछ राजस्थान में भी है मेजर मध्य प्रदेश में है कुछ यूपी में भी है ऐसा भी कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे राज्यों की बात चलती रहती है तो आर्टिकल थ्री में नए राज्य बनाए जा सकते हैं बट दैट शेल बी डन बाई पार्लियामेंट बाई लॉ दैट शेल बी डन बाई पार्लियामेंट बाई लॉ पार्लियामेंट करेगा बाकायदा एक कानून बनाकर यह तो इस ट्रेटर में बता दिया गया कि ऐसा हो सकता है मतलब इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन बाई द पार्लियामेंट भारत के अंदर भारत के टेरिटोरियल मैप के अंदर पोलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर रीशफलिंग पार्लियामेंट कानून बना के कर सकता है लेकिन ये जो पावर है यह एप्सोल्यूट नहीं है ये कंडीशनल पावर है इस पर कुछ कंडीशंस लगी हैं वो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं कंडीशंस अप्लाई इसमें कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं सी व्हाट कैन बी दीज कंडीशंस फर्स्ट द बिल डूइंग सो वो बिल फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी ऐसे बना दिया गया बुंदेलखंड बनना है एमपी से निकालना है वहां से निकालना है ऐसे कुछ बना दिया गया द बिल शेल बी सेंट बाई द प्रेसिडेंट टू concerned स्टेट state और states पहली कंडीशन पहली कंडीशन तो यह है कि यह बिल राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर ही शुरू होगा मतलब सारे बिल राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे शुरू नहीं होते हैं बट आर्टिकल थ्री में लिखा है यह बिल राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे ही शुरू होगा मतलब एग्जीक्यूटिव ऑन इट्स ओन इज डूइंग इट राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन ले ली गई है बिना रिकमेंडेशन के बिल शुरू नहीं हो सकता अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा बहुत कम बिल हैं ऐसे जिसमें राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पहले से चाहिए होती है उन्हीं में से एक बिल आर्टिकल तीन वाला बिल होता है तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन ली जाएगी राष्ट्रपति ये बिल राज्य उस राज्य को या उन राज्य को भेजेंगे जिससे चेंज किया जा रहा है अगर बुंदेलखंड बना रहे हैं तो मध्य प्रदेश को भेज सकते हैं यूपी को भेजेंगे और राजस्थान के कुछ जिले हैं धौलपुर तक तो वो भी ले जा सकते हैं या अगर मध्य प्रदेश और यूपी से ही बनाना है तो यूपी और मध्य प्रदेश को भेजा जाएगा क्यों भेजा जाएगा टू ऑपटेन देयर व्यूज उनके व्यूज जानने के लिए ये बिल भेजा जाएगा और ये व्यूज स्टिपुलेटेड टाइम में राष्ट्रपति बता देंगे कि इतने दिनों के अंदर आप बता दीजिए कि आपके व्यूज़ क्या है वी आर एफेक्टिंग ए चेंज एंड टेकिंग सम एरियाज ऑफ़ yours, सम डिस्ट्रिक्स ऑफ yours टू क्रिएट ए न्यू स्टेट ऑफ वॉट बुंदेलखंड बुंदेलखंड की नया राज्य बनाने जा रहे हैं और या हम विदर्भ बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र असेंबली महाराष्ट्र को चला जाएगा या फिर कोई और राज्य नॉर्थ बंगाल को काट के हम गोरखा लैंड बनाने जा रहे हैं ऐसा कोई भी चेंज इफेक्ट होने वाला है तो राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन के बाद यह बिल उस राज राज्य को जरूर जाएगा उनका व्यू जानने के लिए और राष्ट्रपति वो समय अवधि बता देंगे जिसमें उन राज्यों को अपना व्यू देना है राज्य के पास व्यू के लिए जाता है यह बिल उनके पास भेजना जरूरी है बट दीज व्यूज आर नॉट बाइंडिंग इनकी बाध्यता नहीं है राज्य अपने व्यूज़ देंगे तो राज्य कह देंगे नहीं आप बुंदेलखंड मत बनाइए महाराष्ट्र कह देगा नहीं आप विदर्भ मत बनाइए वेस्ट बंगाल कह देगा आप गोरखालैंड मत बनाइए उनका व्यू यस है या नो है इसकी पार्लियामेंट पे सेंटर पे कोई बाइंडिंग नहीं है सेंटर ने बिल भेजा जरूर है सेंटर बिल भेजता है व्यूज जानने के लिए कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं बट सेंटर ऑन इट्स ओन कैन गो फॉरवर्ड उनका व्यूज़ मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है ये yes, यूनियन के ऊपर है राष्ट्रपति के ऊपर है वो चाहे तो व्यूज को मान लें चाहे व्यूज को ना मान लें एक बार व्यूज के बाद जब बिल उनके पास वापस आ गया उसके बाद पार्लियामेंट इस बिल को अमेंड भी कर सकता है दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है इसका मतलब यह हुआ आर्टिकल थ्री से पूरे आर्टिकल थ्री को पढ़ के समझ में आया कि प्रोसीजरल राइट तो है राज्यों को राज्यों को अपने होने में प्रोसीजरल राइट तो है उनको बस प्रोसीजरल राइट right है सब्सटेंटिव राइट right नहीं है मतलब यह है कि प्रोसीजर फुलफिल करने के लिए उनके पास बिल भेजा जाएगा बिल भेजना जरूरी है वो प्रोसेस का पार्ट है प्रोसेस प्रोसीजरल राइट तो है बट सब्सटेंटिव राइट right नहीं है उनके व्यू की कोई से नहीं है पार्लियामेंट में एक्सेप्ट देयर व्यूज पार्लियामेंट में नॉट एक्सेप्ट देयर व्यूज इसका मतलब ये हुआ हम यहां से ये समझ सकते हैं कि भारत में जो राज्य हैं इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ये सारे शब्द जो मैं फ्रेजेज इस्तेमाल कर रहा हूं ये की फ्रेजेज हैं इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नॉट गारंटीड मीनिंग देयर बाई सेंटर थ्रू पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज इंडिया एनी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरनली पार्लियामेंट मतलब सेंटर भारत को इंटरनली जितनी बार चाहे रीऑर्गेनाइज कर सकता है बस हां रियऑर्गेनाइज करने से पहले बिल राज्यों को जरूर जाएगा राज्य की रजामंदी हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता इंटरनल रिओर्गनाइजेशन इज कंप्लीटली इन हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट बट डेफिनेटली पार्लियामेंट विल कंसल्ट द स्टेट्स कंसल्ट राज्य के व्यू की कोई वैल्यू नहीं है मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू है ऐसा इसलिए किया गया जब राज्य भारत बना था तब ऐसे सेंट्रफ्यूगल फोर्सेस भारत में हुआ करते थे बहुत भिन्नताओं से भरा हुआ देश था ऐसे में अगर अमेरिकन फेडरेशन जैसा बनाया जाता कि राज्य अपनी मर्जी से बाहर चले जाएँ तो शायद इंडियन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंटैक्ट न रह पाती और टूट फूट हो सकती थी इसलिए सेंटर को अब यह अधिकार रखना पड़ा कि राज्यों को कंसल्ट तो करेंगे उनका व्यू पॉइंट लेंगे लेकिन उनके व्यू पॉइंट की बाध्यता सेंटर पे नहीं है अदरवाइज इंडिया वुड नॉट हैव कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ सस्टेंडेंसीज द इंडियन यूनियन उस समय के हालात के हिसाब से ऐसा किया गया था लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम यह कहता है जैसा कि पॉलिटिकल सिस्टम है कि सेंटर कभी जबरदस्ती नहीं करता है जब भी सेंटर ऐसा करेगा तो राज्यों की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट या रीजनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेगा यहां पर पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आर्टिकल थ्री का इस्तेमाल करने में ओबियसली राज्यों के रजामंदी से ही ऐसा होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो सेंटर के पास है लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो राज्यों की रजामंदी से ही ऐसा हो सकता है अगर कुन्या राज्य बनाया जाए सो दिस इज आर्टिकल वन एंड थ्री आर्टिकल वन एंड थ्री को आप एक साथ देखें तो इसका जिस्ट ये निकलता है मतलब अगर आप शॉर्ट में पार्ट वन का जिस्ट पूछा जाए आपसे कि पार्ट वन एक लाइन में बताइए पार्ट वन क्या कहता है तो आप बोलेंगे इंडिया ज एन इन डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स भारत का संघ इंडेस्ट्रक्टिबल है ऐसा बनाया है वर्ल्ड यूनियन की जो डिफाइन किया है डॉक्टर अंबेडकर ने इन द डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो भारत का संघ तो नहीं है लेकिन राज्य कभी भी कम ज्यादा हो सकते हैं राज्य की एग्जिस्टेंस कभी भी खत्म हो सकती है हो सकता है छोटे राज्य का कुछ हिस्सा या छोटा राज्य पूरा का पूरा बड़े राज्य में मिला दिया जाए उस राज्य की एग्जिस्टेंस खत्म हो सकती है तो, तो दिस इज द जिस्ट ऑफ पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स राज्य खत्म हो सकते हैं संघ कभी खत्म नहीं हो सकता राज्य एक बार भारत का पार्ट बन गया फिर भारत से बाहर नहीं जा सकता ऐसा संविधान ने बोला है दिस इज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एज मैंशन इन द प्रेम बिल अखंड अखंड है भारत जो भारत बना है वो अखंड है आप पार्ट वन ये अनुमति भी देता है कि हम बाहर के राज्यों को भी एक्वायर कर सकते हैं एक फ्रेज होता है टेरिटरी ऑफ द यूनियन जब हम इस फ्रेज टेरिटरी ऑफ द यूनियन की बात करते हैं इसका मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है वो डिफरेंट फ्रेज है इसका मतलब होता है स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज जब इस फ्रेज को आप पढ़ेंगे संविधान में तो आपका समझ जाइए यहां राज्यों की बात हो रही है यूनियन टेरिटरीज यूनियन के अंडर में काम करती हैं, जैसे छोटी छोटी हैं लक्षद्वीप वगैरह हैं या कोई और राज्य जो भारत एक्वायर कर ले एक्विदिशन ट्रिटी से हो सकती है वॉर से हो सकती है कॉन्क्वेस्ट से हो सकती है और राज्य की अपनी मर्जी से हो सकती है इन तीनों को मिला देते हैं तो टेरिटरी ऑफ द यूनियन हो जाती है जितने राज्य भारत में जुड़ेंगे बाहर के जितने देश भारत में बाहर के जुड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएंगे टेरिटरी ऑफ द यूनियन में दिस इज द जिस्ट ऑफ पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होप यू हैव अंडट दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ़ द पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दट वॉट इज इंडियन यूनियन दोनों नाम इस्तेमाल किए गए हैं इंडिया दैट इज भारत दिस डिफाइन्स इंडिया मतलब भारत सोवरन देश है उसे पूरा अधिकार है कि वो बाहर की टेरिटरीज भी ले सकता है और इंटरनल रिओर्नाइजेशन राज्यों का कर सकता है मतलब राज्यों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी डाउट में है वो कभी भी खत्म हो सकते हैं बड़े राज्य में मिल सकते हैं या बड़े राज्यों की भी इंटेग्रिटी खतरे में हो सकती है उनको तोड़कर तीन चार पांच छः सात राज्य बनाए जा सकते हैं दिस इज जिस्ट ऑफ दिस थिंग सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बहुत छोटा सा पार्ट है पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चलिए इस पे अपने कमेंट भेजिएगा थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू